नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के चुनावी बूथल से निकला जिन्ना का जिन लगता है कि वोट पड़ने के बाद ही अंदर जाएगा। जी हां, एक दो बयानों के बाद अखिलेश तो अब इस पर खामोश हो गए हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके बयान को ऐसा लपका जैसे एक कैच पर पूरी टीम ही आउट कर देगी। अखिलेश का ये बयान विरोधी पार्टी बीजेपी के मन माफिक था, उसे फायदा पहुंचाने वाला था। ये अखिलेश समेत सभी को पता था, तो सवाल उठता है कि उन्होंने चुनावी पिच पर जानबूझकर कमजोर शॉट क्यों खेला। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। क्या जरूरत थी चुनाव में जिन्ना को लाने की, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने जिन्ना को लाकर खड़ा कर यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख ले और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना ले। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। जिन्ना के जिन्न को बोतल से तो अखिलेश ने निकाला था, लेकिन अब इसे इशारे पर नचा रहे हैं बीजेपी के नेता। हर रैली, हर सभा, हर मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज यूपी की जनता को याद दिलाना नहीं भूलते कि देश को बांटने वाले मोहम्मद अली जिन्ना अखिलेश यादव के लिए पूजनीय है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, किसी ने भी ना तो जिन्ना को छोड़ा ना अखिलेश को। यूपी में शायद ही कोई ऐसा दिन बीत रहा हो जब जिन्ना का जिक्र ना हो। अब थोड़ा और आगे बढ़कर विरोधियों पर बीजेपी के हमलों की मिसाइल पाकिस्तान तक जा पहुंची है। श्री अखिलेश यादव जी के जो अंदर बैठा हुआ है वह जिन बाहर निकल आया। उन्होंने देश की आजादी, देश का विभाजन कराने वाला मोहम्मद अली जिन्ना का नाम, देश को एकजुट करने वाले भारत रत्न सरदार पटेल जी के साथ जोड़ दिया। श्री अखिलेश अली जिन्ना जी, अब तुम्हें जिन्ना भी नहीं बचा सकते। मैं 4.5 साल से शांति के मार्ग पर हम सब बढ़ रहे हैं। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ना कोई फसाद हुआ, लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओवैसी जी को दंगा याद आने लगा है। लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। आज उत्तर प्रदेश में मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ, मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर उस निर्णय को स्वीकार किए और एक भव्य मंदिर बनने जाला। अब सवाल उठता है कि यूपी के चुनाव में अचानक से जिन्ना कहां से प्रकट हो गए। शुरुआत अखिलेश ने की थी 31 अक्टूबर की हरदोई की रैली में, जाहिर है सवाल भी उन्हीं से होंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुका एक नेता यूं ही तो कुछ बयान दे नहीं देगा, लिहाजा यही माना जाएगा कि उन्होंने जो कुछ कहा सोच समझ कर कहा। तो पहला सवाल यह है कि क्या अखिलेश बीजेपी के हिंदुत्व की काट मुसलमान वोटों में तलाश रहे हैं? दूसरा सवाल है कि क्या अखिलेश को ये लगता है कि भारत के मुसलमान जिन्ना को हीरो मानते हैं? तीसरा सवाल है कि क्या अखिलेश को ओवैसी से मुस्लिम वोटों के बंटवारे का डर है? और चौथा सवाल है कि क्या अखिलेश अपने पिता के मुस्लिम यादव फॉर्मूले को आज भी जीत की गारंटी मानते हैं? इतने बड़े अखिलेश शायद इन सवालों के जवाब ना दें, लेकिन जिन्ना के पिच पर वो जिस तरह से डटे हुए हैं उससे सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं। उस समय पर बताइए। मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। ये भी तय था कि अखिलेश के इस जिन्ना प्रेम को बीजेपी किस कदर तूल देकर चुनाव में भुनाएगी। पूरे यूपी में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं की क्लास लगाते बीजेपी अध्यक्ष हो या पीएम के साथ यूपी में विकास का मंच सजाकर बैठे सीएम, जिन्ना को कोई नहीं भूलता। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश
गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। पटेल ने देश को एक आत्मा को शारीरिक रूप से ऊपर से नीचे तक छोड़ने का काम किया और देश को खंडित करने का काम जिन्ना ने किया। और आज जो लोग जिन्ना को याद करते हैं उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना ये राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। इसको तो क्या ये माना जाए कि जो हो रहा है खुद अखिलेश भी यही चाहते थे? ये अजब हाल है कि यूपी चुनाव में ना तो कोरोना की दूसरी लहर में मचे हाहाकार की बात हो रही है, ना रोजगार और ना भ्रष्टाचार की। ऐसा लगता है कि सारे वोट महज दो रंगों में बटे हैं और चुनावी तस्वीर या तो भगवा या हरे रंग से बनाना ही मजबूरी बन चुका है। वही लोग है जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी है जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। अलीगढ़ से अकरम खान और श्रावस्ती से पंकज वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।